गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको स्टैंडर्ड 6 का संस्कृत पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 7। 6 मैंने पढ़ाया है, अपने होमवर्क भी किया मैंने, बराबर। भवतु भारतम, मैंने इसका पेज का लेसन भी आपको भेजा था, आपने वो भी किया होगा। अब आगे चैप्टर 7, सुभाषितानि। हस्तस्य भूषणम दानम, हस्तस्य भूषणम दानम यानी हाथ का गहना दान है। सत्यम कंठस्य भूषणम, सत्यम कंठस्य भूषणम, गले का गहना सच्चाई है। अपने बोलते हैं तो आवाज़ गले में से आती है, इसलिए अपने कुछ भी बोलते हो तो गला से आवाज़ निकलती है, यानी सत्य, तो सत्य का गहना गला है। स्तोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, स्तोत्र यानि आप जो भी पढ़ते हो, जो भी सुनते हो वो ज्ञान है, बराबर। स्तोत्रत्र भूषणम शास्त्रम, भूषण है की प्रयोजन। तो इसमें इस श्लोक का महत्व बताया है कि सच्चे गहने क्या है। तो सच्चा गहना जो अपने गले में पहनते हैं सोना चांदी और वो दिखावा करते, वो नहीं है। जो अपने हाथ से काम करते हैं वो दान है, लिखते हैं, पढ़ते हैं, बराबर। अपने पढ़ते तो गले में से आवाज़ निकलती है, गले से, बराबर। तो गले का गहना सत्य है। और कान से जो सुनते हैं वो तो अपने शरीर के गहने की बात की है, जो अपने सोना चांदी पहनते उसकी बात नहीं है। हस्तस्य भूषण दानम, हस्तस्य यानी हाथ, हाथ का गहना दान है। अपने हाथ से लिखते पढ़ते या किसी को कोई भी दान करते हैं तो हाथ की वजह से। सत्य कंठस्य भूषणम, सत्य अपने कुछ भी बोलते हैं, सही गलत कुछ भी, तो अपने कहाँ से, अपने गले से आवाज आती। स्तोत्र या भूषणम शास्त्रम, अपने जो भी सुनते हैं वो कान, कान से सुनते, बराबर। लिखते पढ़ते सुनते तो अपने सुनाई नहीं देगा, तो अपने को कुछ पता चलेगा नहीं। तो स्तोत्र भूषणम शास्त्रम, तो कान से अपने सुनते हैं। काका कृष्ण पिक, काका कृष्ण पिक, कृष्ण को भेद काक पिकयो, कृष्ण को भेद काक पिकयो। वसंत समय प्राप्ते काक, वसंत समय प्राप्ते काक, काक पिक पिक। वसंत समय बराबर, तो क्या कहा है कि कौवा काला है, कोयल भी काली है, कोयल अने कौवे में कोई फर्क नहीं है। तुम देखो तो दोनों सेम दिखते हैं, लेकिन दोनों का रंग भी एक समान है, दिखते भी एक समान है, जल्दी अपने उसको पहचान सकते नहीं है। लेकिन भगवान ने कुछ न कुछ तो उसमें भेद दिया है। जैसे कोयल वसंत ऋतु आती है, बराबर, तो वसंत ऋतु में कोयल की आवाज मीठी होती है और कोयल को आम का पेड़ बहुत पसंद है, वो आम के पेड़ पर रहती है और वो अपनी मीठी आवाज़ से सबको मोहित करती है। और जो कौवा है वो उसके कर्कश आवाज़ के सबको परेशान करता है,
तो देखो इसमें क्या कहा है कि काका कृष्ण पिक कृष्ण को भेद काका पिकयो, वसंत समय प्राप्त काका पिक पिक, बराबर दोनों सेम दिखते हैं, कोई फर्क होता नहीं है। लेकिन जब वसंत ऋतु आती है और कोयल जब अपनी मीठी आवाज से सबको मधुर करती है, तभी कोयल और कौवे का भेद समझ में आता है, क्योंकि कलर भी एक समान होता है। लेकिन जब कौवा चिल्लाता है तो उसकी आवाज और कोयल की आवाज से फर्क होता है। इसीलिए कहा है कि एक दूसरे दिखाव से कोई चीज का कोई मूल्य नहीं होता है, देखने से कलर से। जब उसकी वाणी उसकी मीठी उसका वर्तन होता है, उसे इंसान पहचाना जाता है। तो ये भेद है कौवे और कोयल का। यथा चित्तम तथा वाचा, यथा चित्तम तथा वाचा, यथा वाचा तथा क्रिया, चित्ते वाण्या क्रियाया च साधु नामिक रूपता। क्या कहा है? जैसे मन वैसी वाणी, और वाणी जैसी मीठी वैसे ही तुम्हारे कर्म। मन वचन और कर्म ये सब समान है। तुम जैसा सोचोगे वैसा ही तुम पाओगे। तुम अच्छा सोचोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा सोचोगे तो बुरा ही पाओगे। किसी के बारे में तुम अच्छा सोचो, अच्छा काम करने के लिए कुछ जागरूक हो, कुछ ऐसे मन में दृढ़ निश्चय करो कि आज मुझे ये करना ही है, आज मुझे इतना काम करना है या इतना होमवर्क करना है, तो अगर तुमने सोचा है तो अवश्य वो पूरा होता है। लेकिन सोचने के साथ उसके पीछे तुमको मेहनत भी करनी पड़ती है। सोचने से कुछ होता तो सब सोचते ही रहते, कोई काम करता ही नहीं। इसीलिए सोच के साथ साथ तुमको वही करना है जो तुम सोचते हो, बराबर। सतत मेहनत करने से तुम अच्छे इंसान भी बन सकते हो, सत्पुरुष बन सकते हो। क्यों? कि आपके विचार शुद्ध और अच्छे हैं और कोई तुम में भेदभाव होता नहीं है, सब जगह तुम समान ही होते हो। इसीलिए तो कहा है जैसे बोलोगे वैसा ही पाओगे। किसी से अच्छी बात करोगे तो अच्छी बात मिलेगी, और बुरे बोलोगे तो बुरी बात मिलेगी, बराबर ना। तो हमेशा वाणी कैसी रखनी चाहिए? मीठी और मधुर, ताकि अपनी बात कोई भी शांति से सुने और उसे भी सुनने में अच्छा लगे और अपने को भी अच्छा लगे। अपने कोई कोई गाली दे या कोई अच्छा ना बोले तो अपने को अच्छा लगता है? नहीं। तो यथा चित्तम तथा वाचा, यथा वाचा तथा क्रिया, चित्ते वाण्या क्रिया च साधु नामक रूपता, बराबर। तो इसमें कहा है कि तुम जैसा सोचोगे वैसा होगा, जैसा पाओगे वैसे मिलेगा। तो श्लोक में मैं आपको इतना श्लोक पढ़ाती हूँ, कल मैं इसको आपको कल दूसरा पढ़ाऊंगी। तो आपको ये होमवर्क करना है और इसका ट्रांसलेशन भी करना है। ओके, बाय।